अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ। और भाई साहब, इन लोगों को डालने में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैंने बोला पहले इनको डालना ना डाल दें और उसके बाद फिर हम वीडियो शूट करेंगे और व्लॉगिंग की तरफ आएंगे। अभी ये डोलू और बोलू हमारे बाहर आए हैं, यहाँ से हमारा ये सुल्तान जाग रहा था अभी। और यार डक का एक और बच्चा मर गया, तीन थे, पाँच थे, दो रह गए। अब कल मैं आया था दाना डालने, जल्दी नहीं, मैं आपको मैं दिखा नहीं सका और व्लॉग भी नहीं बना सका ना, क्योंकि बस सुबह के टाइम आप पता रमजान में आपको टाइम कितना शॉर्ट होता है, जिसके से मैं वीडियो बना नहीं सका। लेकिन हमारे दो बच्चा, इससे बत्तख का बच्चा ना एक मर गया यार, तो अभी सिर्फ ये ना दो बच्चे मरे हैं, दो बच्चे बचे हैं अभी। अभी भोलू भोलू खेल रहे थे, मैंने बोला यार वीडियो को कैप्चर कर लूँ, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही अपनी जो नॉर्मल रूटीन में आ गए। अभी ये सुल्तान अपनी मस्ती में लगा, बोल रहा मुझे खोलो, और मोबो भी माशाल्लाह बेहतर है। हाँ भाई, अनारकली क्या हुआ, क्या हुआ, वो देखो मारने में लगी हुई है, चिंटी भी खुली हुई है। सुल्तान बोल रहा मुझे भी खोल दो भाई, ये अगर सबको खोल देना तो कबाड़ा हो जाएगा और मुर्गी के अंदर बन जाएगा। ये क्यों भाग नहीं भाई साहब, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। और इन सबको खोला हुआ है और कॉकटेल को भी हमने दाना पानी डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ भाई, क्या हाल है, अकेले बोर हो रहे हो, हाँ कैमरा देख के आ गए आप, समझते हो, वाह भाई वाह। लेकिन ये आपको ये खुला हुआ दरवाज़ा तो मैंने अभी देखा है, सही नहीं है, तो खुल सकता है भाई साहब, निकल सकते हो। और ये हमारे फिशर, क्या मोहम्मद तुम भी देखने आई हो क्या इनको। और लोटिनो भी माशाल्लाह से बिजी हैं। और यार ये मैंने अभी देखा, ये ना निकलने के चांसेस हैं, तोते भी निकल जाते हैं यहाँ से ना, अगर मैं नहीं देखता तो ये निकलने के चांसेस तो ये आ भी रहा है यहाँ पे ना, बंद करना पड़ेगा इसको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये खुल रहा है यार ये, और ये आ भी इसी तरफ यहाँ से निकल गया ना, तो ये निकल सकता है, काफ़ी थोड़ी ज़्यादा उंगली आ रही है मेरी, निकल सकता है, इसका भी बंदोबस्त करते हैं। और ये हमारी मुर्गी के बच्चे माशाल्लाह से मुर्गी के साथ हैं, फिर पानी मैंने इनको डाल दिया, अभी दाना डालता हूँ और इनको दाना डालना है अभी। बस मैं आया हूँ, आती मैंने ढक 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 सबको डाला और उसके बाद मैं फिर ब्लॉग में आया हूँ यार, मैंने लगा पहले सबको डाल दूँ उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि ये भूखे हो रहे हैं टाइट। अब इनको मैंने खुला छोड़ दिया सैर वसने के लिए और ये घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मुझे सिर्फ सुल्तान बने, सुल्तान यार काबू में मुश्किल ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको बंदे ही रखा है कि वो बने रहे। अभी देखें वनीला भी माशाल्लाह से खेल रहा खुश है। हाँ भाई वनीला, क्या हाल है, और ये देखें इसको ढोलू बोलू को, हाँ वनीला क्या हुआ, वनीला भाई बोला नो लिफ्ट, चलो ठीक है भाई साहब। भाईजान ये हमारी मुर्गियाँ और डक्स खाने में लगी हुई हैं, इनको हमने खोल दिया है और सब खाने में लगे हैं माशाल्लाह से, वो ना खुला था। तो सुल्तान जो ना भैं भैं कर रहा है, उसको भी खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर खोल दे रहा है ये मुर्गियों पे बत्तखों पे चढ़ने ही करता है, नज़र नहीं आता उसको आगे से ना, माशाल्लाह से हैवी वो हैवी, खुदा ना वास्ता चढ़ गया ना तो काम कर देगा किसी एक आधे का। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मोमो के ना अपना ये दूध जो है ना बिल्कुल मुझे लगता है बच्चों को पिला नहीं रही है, दूध आ नहीं रहा है, क्या वजह है। अब ये देखो ये लूसन वहाँ खाने पहुँच गई है, तोतों का लूसन खा रही है, अभी डरेंगे वैसे ही डरते हैं कॉकटेल राजा भाई। चलो चलो दा ले जाओ, अपना खा लिया उसमें घुस लिया। अबे नहीं भाई, इतने गुस्सा, या ये जब गुस्सा ही होती है ना, गुस्सा टाइट करती है, हर किसी को कूटती रहती है, अभी देखा चिमकी को मारा इसने। चले बहरहाल यार ये ऐसे ही अच्छी लगती है, इसको अच्छी नहीं लगती और इसे ऐसे ही अच्छी है माशाल्लाह से। हाँ क्या हुआ, चिमकी को बाहर निकाला बच्चों से अलग करके कि यार ये अलग हो के ना खा लेगी, लेकिन ये अपने बच्चों के पास जाए यार ये, मैंने अच्छा बाहर आके खा लेगी, लेकिन इसको ना अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई है, और ये ना पिंजरे के पास जा रही है और आ रही है, ये वापस पिंजरे के पास जा रही है, क्योंकि इसके बच्चे ना अंदर बने अपने बच्चों के पास जा रही है, माँ तो माँ होती है वैसे वापस, इसको मतलब दाना खाने की नहीं लगी हुई, भैया के बोले अंदर चले आऊँ मैं, तो ये बस ऐसे ही चल रहा है साहब, पिता अंदर बन रहे कि मैं थोड़ा यार इसके पैर शोर लगा, मैंने उसको बाहर निकाला ताकि थोड़ी सी एक्टिव हो गई, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, बस ठीक हो, अल्लाह का शुक्र, तुम्हें कैसे पता मैं आया हूँ भाई, उड़ उड़ के खबर पहुँची जाती है, पहुँची जाती है, हाँ भाई वाह माशाल्लाह भाई, बस भाई आ गए, हाँ भाई ये तो
मोमो सेट है भाई, माशाल्लाह सेट लग रही है, सेट है और फुल पैट है। हाँ यार, एक दूध जो है ना, अब बस दूध नहीं आ रहा, बच्चों को दूध नहीं पिला रही, स्वाद दिया टूट गया भाई दूध अंदर थोड़ा सा ना, अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा। हाँ वो पंपिंग करनी पड़ेगी ना, पंपिंग करोगे भाई, दूध आया था कि बच्चे पिए, बच्चे दूध नहीं पी रहे, पकड़ो उसको, इसका इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। हाँ तो उसके पंपिंग करके तो देखो, हो सकता है शायद आ जाए यार, ये तो बच्चों के लिए यार, भूखे रह रहे हैं ना, हम तो दूध निकालते भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है, पंपिंग करके देखो भाई। अब्बास ने बोला पंपिंग होगा, आप देना भाई करके देख यार, क्योंकि जो है थानों में दूध बिल्कुल नहीं है यार। अब्बास दूसरा मुझे लग रहा है कहीं ये हो सकती है, दूसरा रीज़न भी हो सकता है ना, अब ये पता नहीं यार, वैसे इतनी जल्दी दूध सूखते नहीं है यार, नहीं सूखते नहीं, तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है यार। आना तो चाहिए दूध, इसका इंजेक्शन लगता है क्या, लगता है इंजेक्शन लगता है दूध का, पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे यार। अच्छा नहीं हुआ तो फिर इंजेक्शन लगवाएंगे, ऐसे लगवाएंगे ना तो नुकसान भी देते। चलो भाई ठीक है, अब्बास बोलने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा लो, पॉसिबल है कि शायद ये अम्मा बनने वाली हो, और पॉसिबल ये है कि शायद इंजेक्शन लगे इसके, दोनों ऑप्शन है, करके देखते हैं। अल्लाह मान भाई, वाइट वेट आ रहा है जी। हाँ तो मुझे लग रहा है शायद गुड न्यूज़ है, पॉसिबल है यार। अब्बास यार, एक बत्तख का बच्चा मर गया यार, सही कल यार, अब कल मरा था तुम्हें बताना हो गया था यार, एक बच्चा जो ना वो मर गया यार, वो देख बच्चा दबा हुआ क्या अभी भी, क्या भाई वो भी गया, सीधा कर सीधा कर सीधा कर सीधा कर। अरे मैं आपको जो है बच्चों को बोलता कि दो बच्चे हैं, वीडियो बना ही रहा था, थोड़े में बात आया अभी, देखिए थोड़े में जो है बच्चे का बिजनेस, पता क्या हुआ यार, चढ़ गए इसके ऊपर, ये भी बेचारा ऐसा ही हो रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, उसके ऊपर पैर रखा क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो शूट किया है, ब्लॉग बनाया है, अच्छा अच्छा बिल्कुल, हाँ बड़ा वाला था यार, ये भी चारा गर्दन छोड़ दी थी बिल्कुल, वो हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, समझ से बाहर है भाई। तो अब यार इसको तो हमने को यार अलग बंद कर दिया फिलहाल ना, इसको अलग ही बंद करो यार, ना इसको ना मार देंगे ये, अब ये जो है ना बिल्कुल बच्चा ना निराल हो गया यार, क्या करें बस इसका। हाँ चलो तो कैश के अंदर डालो, कैश को ऊपर रखो, फिर देखते हैं तुम बाकी जो है वो, इसको पिछले को वहाँ ऊपर रख दे यार, गया बिल्कुल लेट गया तो ये यार, चार बच्चे यार इस होगा यार, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हो रहा क्या हो रहा है, एक के बाद एक की कहानी ऐसी हो रही है, क्योंकि यार बच्चों को साथ बंद नहीं करना था बच्चों से यार। अब बस सीधा करके रखा कैच, ये हटाओ ऊपर से नीचे कर उसको, एक रुक जाओ तो फिलहाल इसके ऊपर रख दो, इसको यहाँ रख दो यार, बिल्कुल लेट गया बच्चा यार, हाँ वो लग रहा था यार, ये भी मर गया गाइस, एक बच्चा और मर गया यार, क्या करते तुम लोग यार, तो बाल खोलोगे यार। तो गाइस ठीक है यार, अब आगे ब्लॉग बनाने का मूड नहीं है, आज तक का ब्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सत्यपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अस्सलाम वालेकुम। निकालो बस को, बाहर निकालो यार।